मैंने मैप लगा दिया है यहाँ पे, मुझे बता रहा है 3 hours 38 minutes। तो अभी पहुँच चुके हैं आंजुरली फाटा रोड पे, और रोड की हालत आप देख सकते हो एकदम वर्स्ट कंडीशन है। हम लोग यहाँ पे रुक गए थे होटल अन्नपूर्णा में, अब मैंने जैसे आपको बताया था मेरा ऑफिस का एक काम था। आप देख सकते हो रोड कितना ऑसम है, यहाँ पे भगाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे है दमन 22 किलोमीटर, सिलवासा है 15 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर प्रसाद। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब बढ़िया रहेंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो मॉर्निंग के हो चुके हैं 6 और मैं आज जल्दी उठ चुका हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक राइड पे। हम लोग का एक छोटा सा राइड का प्लान बना था, तो हम लोग आज जा रहे हैं दमन। हम लोग वहाँ पर 2 दिन स्टे करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग दमन एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी प्लेसेस विजिट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना। तो पैकिंग तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी कर ली है, थोड़ी बहुत कुछ पैकिंग बची है वो मैं अभी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ डायरेक्ट मोटो व्लॉग सेटअप पे। सो गाइस ये रहा मेरा बाइक, मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे लगेज का सेटअप कर दिया है, और अभी मेरा फ्रेंड जो है लगेज बांध रहा है। यहाँ पे मेरा टैंक बैग है और अपना बाइक ऐसे कुछ दिख रहा है। निकल चुके हैं यहाँ से, हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। मैंने मैप लगा दिया है यहाँ पे, मुझे बता रहा है 3 hours 38 minutes, टोटल 160 किलोमीटर बता रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा क्या ट्रैफिक होगा। तो अभी ये जो सिटी ट्रैफिक है इसको क्रॉस कर लेता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो ये है कल्याण का दुर्गाड़ी ब्रिज। दमन जाने के लिए आपको यहाँ से आगे जाके भिवंडी बाईपास से राइट लेना पड़ेगा। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लोग आ चुके हैं भिवंडी में, ये जो भिवंडी में ये ऊपर नया ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे कार और बाइक्स अलाउड है, खाली ट्रक अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ऐसे कमर्शियल एरिया है, और ये रहा रेलवे का पटरी। तो एक्चुअली राइट पे जल्दी निकलने का प्लान था मॉर्निंग में, लेकिन निकलते निकलते लेट हो गया, तो हम लोग ने सोचा ब्रेकफास्ट करके ही निकलते, फिर रुकना नहीं पड़ेगा। ये रोड काफ़ी अच्छा है, ऐसे रोड का आगे मिला तो मज़ा आ जाएगा। आओ गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा शिव का टेंपल है। सो गाइस हम लोग अभी पहुँच चुके हैं आंजुरली फाटा रोड पे, और रोड की हालत आप देख सकते हो एकदम वर्स्ट कंडीशन है रोड की। आपके गाड़ी का स्पीड 50 के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अभी जो टाइम दिखा रहा है वो है 8:28, हम लोग को अराउंड 9 बजे तक एक जगह पे ब्रेक लेना है। मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है लैपटॉप पे, वो करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो फाइनली गाइस काफ़ी देर ऑफ रोडिंग करने के बाद एक अच्छा सा पैच आया है अभी, NH 48 नेशनल हाईवे। बहुत एग्जर्शन होता है यार बॉडी में ऑफ रोडिंग करते समय। ये जो NH 48 है ऑलमोस्ट 13 to 15 किलोमीटर्स है, अब उसके बाद पता नहीं रोड कैसा होगा। ब्लाइंड स्पॉट मिरर ये काफ़ी सही चीज़ है, लाइफ सेविंग चीज़ है ये। आप देख सकते हो मेरे मिरर में जो चीज़ नहीं दिख रहा है ना वो इसमें प्रॉपरली विजिबल है। अभी जो ये कार है वाइट कार जो जा रही है इसमें मिरर में नहीं दिख रही है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट मिरर में दिख रही है। पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पे टोल नाका पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा चेकिंग है। गाइस हम लोग को जाते जाते एक ये होटल दिखा था, और जैसे कि मैंने आपको कहा था 9 बजे मुझे काम है ऑफिस रिलेटेड, तो यहाँ पे रुक के हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करके मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। सो गाइस हम लोग यहाँ पे रुक गए थे होटल अन्नपूर्णा में, अब मैंने जैसे आपको बताया था मेरा ऑफिस का एक काम था, यहाँ पे मैंने अपना बाइक पार्क कर दिया और साथ ही मेरे फ्रेंड का बाइक भी खड़ा है। तो ये मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे,
और यहाँ पे मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था, तो मेरा ऑफिस का काम हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grass. Guys, आप देख सकते हो रोड कितना ऑसम है, यहाँ पे भगाने के लिए बहुत मजा आ रहा है। तो बीच बीच में काम चल रहा है। सो नाउ एज पर द गूगल मैप्स यहाँ पे दिखा रहा है 1 hour 53 minutes और 96 किलोमीटर बचे हैं हमारे होटल पहुँचने के लिए। एक बार होटल पहुँच जाते हैं, फ्रेश वगैरह होके फिर निकलेंगे घूमने के लिए। तो अभी 1 hour 23 minutes बाकी है, टोटल 67 किलोमीटर्स। हम लोग 1:08 पे पहुंचने वाले हैं अपने होटल पे। ये जो माउंटेन है कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली गाइस यहाँ पे है दमन 22 किलोमीटर, सिलवासा है 416 किलोमीटर। काफ़ी सही रोड है यार यहाँ के। बहुत दिनों के बाद आज राइड किया। नॉर्मली संडे राइड पे तो मैं अभी जाता नहीं हूँ। तो हम लोग को जो है यहाँ से अभी लेफ्ट लेना है दमन के लिए, जो कि अभी बच गया है 14 किलोमीटर। सो नाउ 25 मिनट्स मोर टू रीच अवर होटल, इट्स 13 किलोमीटर। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना ग्रीनरी है, और अभी थोड़ा सा ठंडा भी महसूस हो रहा है, पीछे काफ़ी गर्मी हो रहा था। अभी तक डबल लेन हाईवे था, तो हम लोगों ने लेफ्ट लिया तो ये सिंगल लेन हाईवे। सो गाइस 2.1 किलोमीटर मोर टू गो, 5 मिनट बाकी है होटल पहुँचने के लिए। यहाँ का व्यू कितना प्रॉपर लग रहा है, एकदम आजू बाजू में एकदम ग्रीनरी लग रहा है। ये आप लाइट देख रहे हो, लाइट का भी डिजाइन एकदम अलग ही है यहाँ पे। Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. तो होटल इज नियर बाई एरिया टू बीच, कुछ 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। अब देख सकते हैं आगे बीच है, एंड दिस इज अवर होटल गोल्डन चैरियट। तो फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, अब चेक इन प्रोसेस करना पड़ेगा। सो गाइस होटल में चेक इन के बाद हम लोग को बहुत भूख लगा था अभी, तो हम लोग अभी निकले बाहर वीराज ढाबा पे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ है ये, इसका मैं आपको अंदर जाके एम्बियंस दिखाता हूँ कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो लेट्स गो इनसाइड। सो यहाँ पे ऐसे कुछ एंट्री है, एंट्री के बाद ये इसका मेन एम्बियंस। तो यहाँ पे ऐसे वेलकम करने के लिए एक सर जी खड़े।
सो गुड यार, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कुछ देखा है। मॉर्निंग गाइस, दिस इज वेरी नेक्स्ट डे। कल हम लोग ने चेक इन कर लिया था, मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग रेस्ट कर रहे थे। तो अभी मैं आपको मेरा रूम का टूर करवाता हूँ। तो ये है मेरा रूम। सो यहाँ पे एक विंडो है, ये टीवी, ये किंग साइज बेड और एसी, यहाँ पे मिरर है, ये है वार्डरोब और वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी क्लीन है। सो गाइस, आपको मैं रूम के बाहर का अभी व्यू दिखाता हूँ। तो ये है हमारे रूम के बाहर का व्यू। यहाँ पे पूरा बीच व्यू आपको मिलता है। यहाँ पे लो टाइड की वजह से अभी जो पानी है पूरा पीछे साइड चला गया है। ये है वो पूरा प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मेरा जो बाइक है वो मैंने वहाँ पे पार्क कर दिया है, और दो बाइक्स यहाँ पे आई है। और ये है होटल का एंट्रेंस।